हेलो फ्रेंड्स, मैं राघव वर्के आज आपके सामने फिर मैथ का अगला वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम लोग क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए मैथ देख रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाउंड करते हैं, जिसको हम लोग दो तरीका से पढ़ाए थे। और जिसमें सेकेंड तरीका जो था, जिसमें हम लोग एन प्लस वन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते थे, वो सबसे बेस्ट तरीका था। आप कोई भी सवाल हो उस मैथड के द्वारा, उस एग्जाम्पल के द्वारा आप इजिली बना सकते हैं। तो हम लास्ट एग्जाम में बल जो देखे थे, उसमें क्या था ना कि जितने भी नंबर लिए थे पॉजिटिव था। आप नेगेटिव के केस में भी बनाकर देख सकते हैं, आंसर आपका ऑटोमेटिकली आएगा। यहाँ किसी तरह की दिक्कत होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम अगले वीडियो जब भी बनाएंगे उसके बाद तो उसमें आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखने जाएंगे इरेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि उससे पहले वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर तक देख चुके थे। तो आइए पहले देखते हैं इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है। तो देख रहे हैं, इरेशनल नंबर, ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बोल रहा है कि कोई भी नंबर जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जहां पी एंड क्यू इंटीजर्स होता है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो ऐसा सेम सिचुएशन होता था रैशनल नंबर में, लेकिन उसमें हम लोग एक्सप्रेस करते थे पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है ना। बस इतना ही फर्क है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, रूट थ्री, रूट टू, रूट फाइव। इसको और भी कुछ एग्जांपल होता है, टू प्लस रूट थ्री लेंगे तो ये भी क्या होगा, मेरा इरेशनल नंबर होगा। उसके आगे हम लोग देखने जा रहे हैं रियल नंबर, क्योंकि नंबर सिस्टम का जो प्रमुख बिंदु होता है वो रियल नंबर से ही शुरू होता है। लेकिन हमें क्या था कि टॉपिक वाइज समझाना था, बेसिक से समझाना था, इसलिए पहले हम लोग रियल नंबर को बाद में डील बाय डील पॉइंट को डील करते हुए रियल नंबर तक आए, ताकि रियल नंबर के डेफिनेशन को समझने में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं। तो रियल नंबर क्या आई उसे देखते हैं। ऑल रैशनल नंबर, ऑल कहने का मतलब क्या हो गया, हम रैशनल नंबर से पहले कुछ टर्म पढ़े थे। जो पढ़े थे क्या था, नंबर मतलब नेचुरल नंबर था, हॉल नंबर था, इंटीजर्स था, ये सभी के बारे में जानते हैं। ये सभी भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर ही होते हैं। ऑल रैशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर, मैक्स द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, यही दोनों को मिला दिया जाए तो नंबर का एक सेट बनता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय लेटर आर, इसे आर के द्वारा बोला जाता है। रूट टू को बोलेंगे तो भी रियल नंबर है, माइनस वन लेंगे तो भी रियल नंबर है, जीरो लेंगे तो भी, यानी रेड मीन्स हम लोग जितना चीज अभी पढ़ते आए हैं रियल नंबर से पहले सबके एग्जाम्पल को हम लोग रियल नंबर में डाल सकते हैं। आगे आइए एक पॉइंट फिर देख रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम वाला कि आप लोगों को 10th क्लास में अच्छे से पढ़ना, फिर भी जब भी ट्रायंगल का चैप्टर आता है तो वहां पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, यहाँ बस हम लोग जनरली जानते हैं क्या है। जब आप लोग क्लास 10th में जाएंगे तो इसका प्रूफ कैसे किया जाता है वो वहां सीखेंगे। अभी बस चूंकि एक सवाल आएगा जहां इसका प्रयोग है इसलिए जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जनरली क्या होता है ना, ट्रायंगल पे बेस्ड होता है, और ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल पे ये डिपेंड करता है। राइट एंगल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक कोण जो होता है, जिसका एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ फिगर में देख रहे हैं हम एक ट्रायंगल बना है ए बी सी, इसमें क्या है तीन साइड है, और एक देख रहे हैं ये क्या 90 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के इन फ्रंट में जो साइड होता है उसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जिसे एच के द्वारा डिनोट करते हैं। ट्रायंगल जिस साइड पे बैठा हुआ होता है उसे बेस बोलते हैं, और जिस साइड के सारे 90 डिग्री का निर्माण बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसी का ये फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां एच क्या है हाइपोटेन्यूस है, बी क्या है परपेंडिकुलर है, और बी क्या है मेरा बेस है। तो इसके बारे में फिलहाल इतना ही जानना है। अब आगे जो हम लोग देखेंगे, हम जो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम जो बताएं इसका प्रयोग जनरली हम लोग अब इसलिए पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप रूट टू को नंबर लाइन पे इंडिकेट करेंगे तो वहां रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, चूंकि रूट फोर तो टू हो जाता है, रूट फाइव एंड रूट वाले, डेट मीन्स इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला बताएं। इससे आगे हमें देखना क्या है कि नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन एक्चुअली क्या होता है ना, नंबर लाइन क्या होता है कि हॉल नंबर का एक सीरीज होता है, जिसमें हर तरह के नंबर, डेट मीन्स रियल नंबर जो हम लोग पढ़े हैं, रियल नंबर को ही जनरली हम लोग नंबर लाइन पे इंडिकेट करते हैं। तो पहले आइए हम लोग देखते हैं नंबर लाइन क्या है। तो नंबर लाइन आप लोग बेसिकली पढ़ते आए हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो घबराना नहीं है, आइए देखते हैं। ये क्या है नंबर लाइन, इसके ठीक बीच में क्या होता है जीरो होता है, और हम लोग इधर राइट साइड की बात करेंगे तो राइट साइड क्या होता है पॉजिटिव नंबर होता है, और लेफ्ट साइड जो होता है वो नेगेटिव नंबर होता है।
ये जितना डिस्टेंस पे वन होगा बैक उतना डिस्टेंस पे क्या होगा नेगेटिव नंबर होगा, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव डॉट डॉट आगे भी हो सकता है, इधर देखेंगे टू थ्री फोर फाइव ये डॉट डॉट आएगा इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी जाएगा कहां तक माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन नंबर लाइन का प्रयोग हम लोग जो चीज शो करना है उसके लिए जनरली हम लोग क्लिक करेंगे। मान ली नंबर लाइन पे आपको कर देगा क्या टू को इंडिकेट करना, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। आप देख रहे हैं टू है, टू मान लेते हैं ए, इसको ए मान लेंगे तो टू जहां उसको ए से इंडिकेट कर देंगे तो ये पॉइंट मेरा क्या हो गया टू हो गया। यदि बोल देगा क्या बी बराबर पुट करना है माइनस फाइव, तो माइनस से तो माइनस मेरा किस साइड होता है लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड में ये पॉइंट क्या हो गया माइनस फाइव हो गया, तो इसे हम लोग किससे डिनोट कर देंगे बी से। ये तो सिंपल नंबर था आसानी से हम लोग पुट कर सकते। अब मान लीजिए आपको सी बराबर कहेगा वन बटे फाइव पुट करना, तो 1 बटे 5 देखकर आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं रियल नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं और रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं। 1 बटे 5 जब भी देखेंगे चूंकि इनके पहले किसी तरह का नंबर नहीं तो ये किसके बीच में लाई करेगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। पहले समझते हैं ये हो गया 0 और ये हो गया 1। जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया जाए ठीक है ना, और दैट मीन्स के मिक्स फ्रैक्शन में कोई भी नंबर नहीं है तो 1 बटे 5 है, नीचे क्या है 5, तो इसको 5 इक्वल पार्ट में करेंगे 1 2 3 4। किसी भी लाइन को जितने पार्ट में डिवाइड करना उससे कम दैट मीन्स 5 पार्ट में डिवाइड करना तो हम लोग 4 ही लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, यदि 6 पार्ट में डिवाइड करना रहता तो 5 लाइन ड्रॉ करते। अब देख रहे 5 आ गया, 5 लाइन ड्रॉ कर दिए, देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट हो गए, ये समझाने के लिए था। अब क्या करना ऊपर क्या है 1, तो 1 जो लाइन जो ड्रॉ की इसमें पहला लाइन जो ये यही मेरा क्या हुआ 1/5 होगा, तो यहाँ देख रहे हैं 0 से 1 इसको 5 पार्ट 1 2 3 4, ये जो मेरा फर्स्ट लाइन होगा ये मेरा क्या होगा 1/5 को रिप्रेजेंट करेगा। वही आपको मान लीजिए डी बराबर दे देता 2 3/4, तो यहाँ देख रहे हैं क्या मिक्स फ्रैक्शन ग्रुप में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ क्या है 2, तो जब भी 2 है तो ये क्या होगा 2 और 3 के बीच में लाई करे, यदि यहाँ 1 रहता तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करे, यदि 4 रहेगा तो 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ देख रहे हैं क्या 2 3/4 है, तो हम लोग जो नंबर लाइन लेंगे उसमें क्या होगा मेरा 2 आएगा और क्या होगा 3 के बीच लाई करेगा, तो नीचे में क्या है मेरा 4, तो 4 है तो क्या करना होगा 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो 1 2 3। अभी बोले थे यदि 4 में करना तो हम लोग 3 लाई करेंगे, दैट मीन्स 3 लाइन को यहाँ ड्रॉ करते हैं, और यहाँ देख रहे हैं क्या है 3 मतलब क्या हो गया थर्ड पॉइंट पे, तो 1 2 3, तो ये पॉइंट जो होगा मेरा क्या होगा 2 3/4 को इंडिकेट करेंगे, तो देख रहे हैं ये क्या है 2 3 है, इसको 3 पार्ट 1 2 3, और एक थर्ड पार्ट मेरा क्या होगा 2 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा, यदि माइनस रहेगा तो लेफ्ट साइड करेंगे, प्लस रहेगा तो राइट साइड करेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए आपको बोल देगा रूट 4 को इंडिकेट करना, तो रूट देखकर भी कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि रूट भी क्या है रियल नंबर है, और रूट 4 को आप लोग जानते होंगे तोड़ने के लिए क्या होगा 2 होगा, क्योंकि रूट 4 क्या होता है किसका वर्ग स्क्वायर रूट होता है, तो 2 का होता है तो 2 को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं 2 है, यदि दे दे माइनस रूट 9 दे दे तो भी घबराना नहीं है, माइनस का माइनस हो गया किसका स्क्वायर रूट इसका क्या होगा 3 होगा, तो माइनस 3 क्या है यहाँ, तो यहाँ आसानी से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जितने भी नंबर देखे नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर सकते हैं, होल नंबर को इंडिकेट कर सकते हैं, इंटीजर्स को इंडिकेट कर सकते हैं, रैशनल नंबर को भी इंडिकेट कर सकते हैं, अब आ रही इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर को कैसे इंडिकेट करते हैं इसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल और जो भी इसका एक्सरसाइज है उसे देखने जा रहे हैं जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगी, और फिर जब हम लोग अगला वीडियो जो है उसमें देखेंगे इरेशनल नंबर डेट मीन्स रूट वाले नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज जाने से पहले हम लोग एग्जांपल को देखते हैं, जो एग्जांपल हम लोग जितने चीज फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे उसी से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहला एग्जांपल देखने हैं क्या बोल रहा है, तो आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, बोल रहा है नीचे दिया गया स्टेटमेंट जो है वो ट्रू या फॉल्स है, गिव रीजन फॉर आंसर, ट्रू है या फॉल्स है तो उसका रीजन देना है क्यों ट्रू या फॉल्स है। तो पहला नंबर देख रहे हैं, पहला नंबर क्या बोल रहा है मेरा एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, क्या बोल रहे हैं जितने भी होल नंबर है वो क्या है नेचुरल नंबर है, तो होल नंबर के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, तो होल नंबर हम लोग पढ़े थे वैसा नंबर रेड मीन्स हम लोग जीरो यदि पुट कर दें नेचुरल नंबर के साथ तो वो होल नंबर हो जाता है, और होल नंबर कहाँ शुरू होता है 0 1
टू थ्री डॉट डॉट कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, इतना हमें पता है। और नेचुरल नंबर के बारे में पता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, वन वन टू थ्री डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ तक हमें क्या है पता है। साथ साथ बोल रहे एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो होल नंबर में देखते हैं, होल नंबर मेरे पास क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और जीरो की बात करें तो जीरो जानते हैं क्या है मेरा, जीरो क्या है मेरा होल नंबर है, लेकिन जीरो जो है मेरा नेचुरल नंबर में कहीं लाइन नहीं करता है। और जीरो जब नेचुरल नंबर में लाइन नहीं करता तो एवरी होल नंबर इज ए नॉट ए नेचुरल नंबर। लेकिन वही बोलता है नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो हो सकता है ये जब हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे तो वहीं पर हम लोग समझ चुके थे। तो आइए हम लोग दो नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दो नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, चलिए उसे देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, दो नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज ए रैशनल नंबर। इंटीजर जानते हैं, इंटीजर्स क्या होता है, व्हेन वी कंबाइन नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर विथ होल नंबर, डैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो जो नंबर होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो बोल रहा है जितने भी इंटीजर्स होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। हाँ, तो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं आप लोगों को पता है, कोई भी नंबर जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, एंड क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यही क्या होता है मेरा, रैशनल नंबर का रूल होता है। तो चूंकि क्या बोल रहे हैं, इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स क्या है मेरा, माइनस वन है, तो इसके नीचे में भी क्या होगा, वन होगा। तो देख रहे हैं ये क्या है, पी वाई के फॉर्म में है, जब पी वाई क्यू के फॉर्म में है तो क्या होगा मेरा, रैशनल नंबर होगा। उसी तरह दो ले तो ये भी क्या है मेरा, इंटीजर्स है, और इसके भी नीचे क्या होता है, वन होता है। टू बाई वन देख रहे हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में, साथ ही साथ क्यू डेट मीन्स नीचे होता है, डेट मीन्स डिनोमिनेटर को क्यू बोला जाता है। और क्यू देख रहे हैं यहाँ भी क्या है, क्यू जीरो नहीं है, यहाँ भी क्यू जीरो नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो मेरा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ये चीज़ हम लोग जब पढ़े थे, जब जान रहे थे होल नंबर क्या होता है, उस समय नोट में हम लिखवा चुके थे और एग्जांपल भी बताए थे। चूंकि आज सवाल है इसलिए फिर से बता दिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर, जहाँ बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो रैशनल नंबर जान रहे थे, सिर्फ टू बाई थ्री एग्जाम्पल लेते हैं, टू बाई थ्री क्या है मेरा, रैशनल नंबर। उसी तरह फोर बाई फाइव ये भी क्या है मेरा, रैशनल नंबर है। या माइनस वन बाई टू की बात करें तो ये भी क्या है मेरा, रैशनल नंबर है। और तीनों नंबर को देखें तो ये मेरा ना होल नंबर है, ना इंटीजर्स है, ना ही रैशनल नंबर है, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा क्या है, फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर्स। क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं होते हैं, लेकिन वही होता है एवरी इंटीजर जो इससे पहले तो वो सही था। तो आइए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल का दो देख रहे हैं, जिसमें बोल रहा है फाइंड फाइव रैशनल नंबर बिटवीन वन एंड टू। तो फाइंड फाइव रैशनल नंबर इससे हम दो तरीका बताए थे। पहला तरीका बताए थे क्या, कि दोनों रैशनल नंबर को जोड़कर दो से डिवाइड करते हैं, तो इसके द्वारा ये बना सकते हैं, लेकिन ये बताए थे थोड़ा लेंदी तरीका हो जाता है। इसका हम दूसरा तरीका बताए, दूसरा तरीका बताए थे क्या बोले थे, एन प्लस वन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, न्यूमरेटर को, और किसको, डिनोमिनेटर को, ठीक है। और जहाँ बताए थे एन क्या होता है, डेट मीन जितना नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है, यहाँ देख रहे हैं मेरा एन कितना है, तो एन यहाँ कितना है मेरा, फाइव है। तो एन फाइव है तो हम एन प्लस वन लेंगे तो क्या होगा, सिक्स होगा। और नंबर जो दे रहा है उसको क्या करेंगे, उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एन प्लस वन। तो यहाँ एन फाइव है तो एन प्लस वन क्या होगा, सिक्स। और ये सवाल हम लोग जब अगला पीडीएफ लास्ट वीडियो जो था उसमें एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को समझा चुके थे, तो ये सवाल भी आसानी से आपका क्या होगा, बन जाएगा। अब आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 आ रहा है। अब आगे इसमें सवाल क्या बोल रहा है, तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज जीरो ए रैशनल नंबर, जीरो एक रैशनल नंबर है। तो हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो की बात करें तो नीचे में क्या होता है, वन होता है। जब वन है तो ये क्या है, पी वाई क्यू के रूप में है, तो हाँ पी वाई के रूप में है। साथ साथ क्या होना चाहिए, क्यू जीरो के रूप में नहीं होना चाहिए, तो क्यू देख रहे हैं यहाँ जीरो के रूप में नहीं है, क्योंकि ऊपर जीरो है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पी और क्यू क्या होता है मेरा, इंटीजर्स होता है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो तो हम बोल सकते हैं जीरो क्या है, रैशनल नंबर है, इसे हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं। और पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तो जीरो भी मेरा क्या है, इंटीजर्स है, और क्यू के रूप में वन है, जो भी क्या है मेरा, इंटीजर्स है। चलिए आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं मेरा क्या है। तो दोनों में क्वेश्चन, एक मिनट आप लोग पहले मिटाने दीजिए तब देखिएगा।
दो नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या बोल रहा है ना कि दो नंबर क्वेश्चन में फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये सेम क्वेश्चन हो गया जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे, जो कितना रैशनल नंबर निकालना है, सिक्स, कितना निकालना है, सिक्स, और सिक्स निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, जितना निकालना था उसमें एन प्लस वन, डेट मीन जितना निकालना था उसमें वन जोड़ेंगे, और सिक्स में वन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सेवन आएगा, और जितना आएगा उसको क्या करेंगे, जो रैशनल नंबर दे रहा है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बीच में देखेंगे जितना हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, हो सकता है ज़्यादा भी आएगा तो उससे मतलब नहीं, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी ऑफ रैशनल नंबर पाए जाते हैं। तो हमें तीन निकालना तो तीन निकालेंगे, चार बोलेगा चार निकालेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका अगला सवाल देख रहे हैं, उसमें भी क्या बोल रहा है, हमें रैशनल नंबर निकालना है, और ये देख रहे हैं क्या है, फ्रैक्शन के रूप में है, और सबका डिनोमिनेटर सेम है जो हम लोग एग्जाम्पल में देख चुके थे। तो फाइंड फाइव रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, तो इसके लिए सेम मेथड करेंगे। तो यहाँ एन कितना दे रहा है, डेट मीन्स हमें कितना रैशनल नंबर निकालना है, एन कितना दे रहा है मेरा, पाँच, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, एन प्लस वन निकालेंगे, तो एन प्लस वन निकालेंगे तो 5 पर 1 क्या हो जाएगा, 6, और 6 हो जाएगा तो जो जो नंबर दे रहा है उसके नोमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग, 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो दो नंबर आएगा उनके बीच में हम देखेंगे जो जो नंबर लाइक कर रहा है वही मेरा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे। अब और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। सेम क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल की तरह, बताना इसमें कौन फॉल्स है कौन ट्रू है, यदि रीजन भी देना उसके लिए क्यों फॉल्स है कौन क्यों ट्रू है। पहला बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर होता है होल नंबर होता है, सही बात है। यदि वन की बात करें, वन मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये होल नंबर भी है क्योंकि होल नंबर में भी वन आते हैं। यदि हंड्रेड की बात करें, यदि हंड्रेड की बात करें तो हंड्रेड भी क्या है मेरा, नेचुरल नंबर है, और हंड्रेड भी मेरा क्या होता है, होल नंबर में लाई करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, ट्रू है। ट्रू क्यों है तो हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। जब हम डेफिनेशन पढ़ाए थे आपको होल नंबर का, तो उस समय ये चीज़ आपको करवा चुके थे। अब आते हैं क्वेश्चन अगले की ओर, जिसमें बोल रहा है दो नंबर, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, फॉल्स है। फॉल्स क्यों, यदि माइनस टू की बात करें तो माइनस टू क्या है मेरा, इंटीजर्स है, लेकिन होल नंबर में माइनस वाला कोई टर्म नहीं आता है, जो भी टर्म शुरू होता है वो जीरो से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, जिसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, लेकिन वही बोलता है यहाँ पे एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स, तो ये मेरा कहना क्या होता, सही हो जाता है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और ये जब हम लोग जब इंटीजर्स पढ़ाए थे तो उसके बाद नोट में ये पॉइंट वहाँ पे समझा चुके थे, तो ये भी सवाल समझने में आपको कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, जितना भी रैशनल नंबर होता है होल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि रैशनल नंबर की बात करें तो क्या 2/3, और 2/3 मेरा रैशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है। तो यहाँ आप लोग को हम ये सवाल भी सॉल्व करवा चुके हैं, यहाँ तक आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। और एक्सरसाइज 3.1 यहीं पे मेरा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो, सॉरी 1.1 मेरा कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग को देखिए कि जो भी बता रहे हैं उसी से रिलेटेड सवाल आ रहा है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, सारे वीडियो को एक एक करके देखना है, और किसी तरह की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे ताकि अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे सकूं। आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट जरूर से ज़रूर करें, और अपने जितने भी क्लासमेट है उसको अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।